देखो, दो बार सोच लो, क्या तुम सच में अपने मरे हुए दादाजी को जिंदा करना चाहते हो? हाँ हाँ, मेरा दादाजी से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम उन्हें बुलाना चाहते हो? वो प्रॉपर्टी का मामला है, अब समझ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। ठीक है, क्या उनकी लाश जल चुकी है? नहीं, मगर क्यों? ओ, पहले उनकी लाश लेकर आओ, फिर बताता हूँ क्यों। जय दादाजी के लाश के कमरे में बिना डरे गया, जानते हुए कि दूसरे दिन उसके दादाजी की लाश को जलाना था, मगर उसने दादाजी की लाश को उठा लिया और अपनी कार में बंद कर तांत्रिक के पास निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसकी गाड़ी के आगे एक परछाई नजर आई। वो डर कर गाड़ी को तेज चलाने लगा। त्रिक के पास पहुंचते ही उसके दादाजी की लाश को उसने रखा। तभी तांत्रिक बोला, ये लो चाकू और उनके हाथ की खाल को काट कर मुझे दो। अजय, ये बिल्कुल ही डर चुका था, मगर हिम्मत जुटाते हुए उसने दादाजी के बांह से खाल निकाल ही लिया। तांत्रिक ने खून का घेरा बनाया और बीच में खाल रखकर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक ही अजय के आसपास का सामान हिलने लगा और उसके दादाजी की लाश हवा में उड़ने लगी, और पलक झपकते ही उसके दादाजी की लाश उठ खड़ी हुई, मगर दादाजी की आंखों में पुतलियां नहीं, वो एक सफ़ेद पुतलियों से घिरा हुआ आंखों का घेरा था। उन्होंने गुस्से में कहा, ये मौत की नींद से जगाने वालों को अब मौत की नींद सोना पड़ेगा। ना बोलकर दादाजी ने तांत्रिक का गला दबाकर उसे मार दिया और फिर वो अजय की ओर बढ़ने लगे। अजय दादाजी को देखकर चिल्ला उठा, आ, बचाओ! क्या होगा आगे? क्या अजय यहीं पर हो जाएगा ढेर, या दादाजी से वो बचकर निकल पाएगा? क्या दादाजी इस दुनिया के सारे लोगों को खत्म कर देंगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस उम्दा कहानी को, जिसका नाम है खाल का काला जादू बचकर रहना, मेरे यानी हैरी कश्यप के साथ, वो भी फ्री में।